हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। दोस्तों, 12 वोल्ट का ये जो ऑटोमेटिक चार्जर आजकल हर घर में है और खेतों में जो स्प्रे मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, आजकल तो ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो गया, जिस मशीन में 12 वोल्ट बैटरी से मोटर लगा के हम लोग स्प्रे करते हैं। ऑटोमेटिक चार्जर 12 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एलईडी लगा हुआ है। ये इसमें एलईडी दोनों कलर का होता है, जब चार्ज होता है रेड ब्लू होता है, चार्ज होने के बाद ग्रीन हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम रिपेयरिंग करने वाले हैं 12 वोल्ट ऑटोमेटिक चार्जर। आउटपुट पिन को देखिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, फेंक देते हैं और नया खरीद लेते हैं। 300 से 400 रुपये आपको खर्चा हो जाता है। इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, कैसे आसानी से हम को उसको रिपेयरिंग करके चार्ज कर सकते हैं बैटरी में। मैं इसको खोलता हूँ, ये देखिए इसका इस चार्जर के अंदर देखिए एक SMPS होता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, अगर पहली बार आप चैनल में नहीं आई हो तो सब्सक्राइब कर रखिए और मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ऐसा वीडियो मेरा पहले से बना हुआ है SMPS का। तो बैरल का चार्जर, जो स्प्रे मशीन का चार्जर मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, पहले से मैं बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स का काम या इलेक्ट्रिक का काम कोई भी करने के लिए पहले आपको एक सीरीज बोर्ड का ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज बोर्ड में काम करने में हमको आसान होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इनपुट में शॉर्ट होगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा, क्या आपका जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं उसका भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने पहले इसको इनपुट में कनेक्ट करके दिखता हूँ उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं लाइन देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, कस्टमर का कहना है तो चार्ज नहीं हो रहा। तो अभी मैं इनपुट में कनेक्ट किया, मतलब इसी इनपुट दिया, देखिए ग्रीन बत्ती जल रहा है। ग्रीन बत्ती जल रहा है मतलब ये है, आप थोड़ा ध्यान से समझ गए दो, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कितनी आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमको ये समझना है, जो ग्रीन बत्ती जल रहा है मतलब ये है, जो आउटपुट में वोल्टेज सही आ रहा है, क्योंकि ये SMPS सर्किट है। इनपुट में कनेक्ट किया, आउटपुट में ग्रीन बत्ती जल रहा है मतलब एक SMPS से 12 वोल्ट निकल रहा है। तो इसके मल्टीमीटर को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, जो गलती मेरे दोस्त लोग करते हैं, मैं आपको पूरे नीट एंड क्लीन बताता हूँ। देखिए, यह है इसका आउटपुट, हमको देखने आउटपुट में 12 वोल्ट है कि नहीं इसको चेक करना है। तो इसका जो 3 पिन है, इसमें कौन सा प्लस कौन सा माइनस, कल लोग कैसे पता करेंगे? तो पता करने का सही तरीका मैं बोलता हूँ, कोई भी DC कनेक्टर में राइट हैंड साइड में होता है प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में होता है माइनस। मैं आपको एक बैरल आपको निकल कर दिखाता हूँ, उसको इस तरफ आप देखेंगे तो देखिए, ये जो पिन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो पिन है देखिए, ये DC आउटपुट का पिन है। देखिए, ये राइट हैंड साइड ये होता है प्लस, लेफ्ट हैंड साइड ये होता है माइनस, ये प्लस ये माइनस। अगर इसमें प्लस माइनस इस तरफ होगा तो हमको कैसे पता होगा? देखिए, इसको ऐसे हम घुसाएंगे तो इस पर होगा प्लस, इस पर होगा माइनस। तो समझ गए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। देखिए, ये थोड़ा प्लस होगा, ये माइनस, मैं इसको प्लस में लगाता हूँ, ये माइनस में लगाता हूँ, आपकी देखते हैं क्या वोल्टेज आता है। देखिए, आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो वायर की कनेक्टर में वोल्टेज नहीं है, हमको देखना है
इसका बोर्ड की आउटपुट में चेक करना है वोल्टेज है कि नहीं। तो दोस्तों मेरा मल्टीमीटर को फॉलो कीजिए, देखिए अभी देखते हैं इसमें आउटपुट में वोल्टेज है कि नहीं, पहले इसको चेक करते हैं। यदि माइनस ए प्लस, देखे दोस्तों पूरे 14 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब कैपेसिटर 14 वोल्ट दिखा रहा है, लोड में होगा 12 वोल्ट। मतलब ये है प्रॉब्लम, ये जो कॉर्ड है, ये जो केबल, इसमें प्रॉब्लम है। देखिए इसमें प्रॉब्लम है, देखिए केबल प्रॉब्लम है। कस्टमर लोग, आप लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं इससे। SMPS सर्किट पूरा ओके है, हम लोग क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं। तो अभी इसका केबल चेंज कर देने से इसका प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन पूरा ओके हो जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ऐसे वाला केबल आपको बाज़ार में मिल जाएगा, आप बाज़ार में 10 से 20 रुपये में खरीद लेंगे। नहीं तो इस ऐसे वाला नहीं मिलेगा तो ऐसा लूज आउटपुट कनेक्टर भी आपको मिल जाएगा, कोई भी वायरलेस पे मशीन का चार्जर का, आपका जैक बोलेंगे तो डीसी जैक, स्प्रे मशीन का डीसी जैक बोलेंगे, आपको बाजार में मिल जाएगा ऐसा पिन। आप चाहे तो काट के कोई भी वायर लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी एक वाइटल पॉइंट ये है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। ये है देखिए रेड और वाइट, नहीं सॉरी रेड और ब्लैक दोनों तार है। तो जिसको पता नहीं है एक चार्ज में रेड को समझ लेगा प्लस, वो ब्लैक वाला हो जाएगा माइनस। लेकिन ये गलती मत करो, ये गलती मत करो, क्योंकि आपको पहले चेक करना है यहाँ पर कहाँ पर प्लस माइनस आपको दिखा रहा। अभी मैं आपको दिखा रहा यहाँ पर, देखिए इस वाला पिन में पॉजिटिव और माइनस, यहाँ पर है नेगेटिव मतलब माइनस। तो आपको ये भी पता नहीं होगा तो कैसे समझेंगे कौन वाला प्लस कौन वाला माइनस। आपको समझने का एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ, जो जो डायोड दिया है, डायोड से जो वोल्टेज निकलता है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, यह है पॉजिटिव और इससे भी नहीं पता चलेगा तो आपको कैपेसिटर का फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आउटपुट में कैपेसिटर है, कैपेसिटर में है क्या है, देखिए 330 mA 25 वोल्ट, देखिए ये आउटपुट में कैपेसिटर दिया हुआ है। तो कैपेसिटर को फॉलो कीजिए, देखिए कैपेसिटर का ये है माइनस ये है प्लस, तो इसको फॉलो कीजिए। देखिए देखिए इस पर है पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस कहाँ पर है देखिए, देखिए डायोड होके, देखिए डायोड से यहाँ DC आउटपुट हो रहा है, कैपेसिटर पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो पॉजिटिव हमको कहाँ से मिल रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव यहाँ पर और एक डायोड देखे आके यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर एक फ्यूज दिया हुआ है, फ्यूज होके यहाँ आ गया पॉजिटिव। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए रेड वाला वायर आ गया माइनस में, ये ब्लू वाला वायर है पॉजिटिव में मतलब प्लस में। तो हमको पहले चेक करना है ये जो रेड और ब्लैक वायर कहाँ पर है उसको हम लोग पहले चेक कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी में दे देंगे बाजर साउंड में। अभी देखिए रेड वायर को मैंने पहले कनेक्ट किया, देखिए देखिए रेड का, देखिए मैं हाथ में हाथ को देखिए रेड, ये देखिए इस पर आ गया रेड का कनेक्टर, इस पर आ गया रेड का सिग्नल। अभी ब्लैक वायर को पकड़ा, ब्लैक वायर को देखिए, ये देखिए इस पर हो गया आ गया ब्लैक। तो अभी समझना होगा कौन वाला प्लस कौन वाला माइनस कैसे पता करेंगे। तो ऐसे हम लोग बैरल में कनेक्ट करेंगे तो बैरल का जो कनेक्टर है उसका राइट हैंड साइड में होगा प्लस, मतलब ये वाला होगा हमारा प्लस। ध्यान से देखिए ये वाला प्लस, प्लस को हम फिर से कनेक्ट करते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर है ये ब्लैक वायर हो रहा है प्लस, यहाँ पर फॉलो कीजिए ये रेड वाला हो रहा है माइनस। तो दोस्तों यही गलती सब लोग करते हैं, क्योंकि रेड और ब्लैक देख के वो लोग लगा देते हैं प्लस माइनस में। ऐसा गलती मत करो, इसको थोड़ा समझ के लगाना। तो दोस्तों अभी इसको रेड को माइनस में, ब्लैक को
लास्ट में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास। तो दोस्तों देखिए, मैंने दोनों वर्ग खोल देता हूँ, ये देखिए दोनों वर्ग मैं खोल देता हूँ। तो दोस्तों रेड हो गया माइनस, ब्लैक हो गया प्लस। तो रेड और माइनस हो गया, इसलिए रेड को हम काउंट करेंगे माइनस में। ये हो गया, ये हो गया हमारा माइनस पॉइंट, माइनस ब्लैक वगैरह आ जाएगा प्लस में। थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है ये, कोई इंटरटेन का काम नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से काम करेगा, आपका काम इजीली हो जाएगा। अब वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको इम्प्रेस करेगा दूसरा वीडियो बनाने में। एक से दो बार चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम ठीक होना चाहिए। देखिए ये हो गया, यह प्लस यह माइनस, अभी प्लस माइनस को चेक करेंगे वोल्टेज है कि नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ वोल्टेज सही आ गया, हमारा काम हो गया। अभी चेक करना है रेड बत्ती जलता है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। तो कोई भी बैटरी या कोई भी लोड आप यहाँ दे देंगे तो रेड बत्ती जल जाएगा। देखिए ये प्लस और माइनस, माइनस ये प्लस, देखिए दोस्तों रेड बत्ती जल गया। देखिए ये देखिए ग्रीन, अभी देखिए देखिए दोस्तों तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो को आपका अच्छा लगा और सीखने के कुछ कुछ मिला। बस ये प्रॉब्लम था, देखिए ग्रीन बत्ती जल रहा था, रेड नहीं जल रहा था, ये प्रॉब्लम था। कोर केबल खराब था, मैंने चेंज कर दिया, हो गया। लेकिन दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा तो अगर लाइन देने में एक ग्रीन बत्ती नहीं जलेगा तो क्या करेंगे, उसका क्या प्रॉब्लम है, इसका भी वीडियो में मेरा चैनल में है और भी वीडियो बनाऊँगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूँगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, आपको क्या सीखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऑल्टरनेटिव नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका आंसर दे दूँगा। तो दोस्तों वीडियो का भी एंड करते हैं, थैंक यू, जय हिंद।